गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हमारा आरआरबी ग्रुप डी का जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ है उसका एनालिसिस लेकर हम इस वीडियो में आ गए हैं। ये वीडियोस आपकी डेली ऑलमोस्ट ये अपडेट की जा रही है हमारे यूट्यूब चैनल आकलन पर। आपने अभी तक अगर प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो आप उन्हें ज़रूर देखिए। हमारे यूट्यूब चैनल है आकलन, आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसमें आपको बहुत अच्छी एग्जाम की तरह तैयारी कराई जा रही है, आरआरबी ग्रुप डी की बहुत पहले से तैयारी कराई जा रही है। इनफैक्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी जिसमें वेरियस अलग अलग सब्जेक्ट्स का आपको पूरा सीरीज मिल जाएगी, जीके, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस एंड वेरियस अदर एग्जाम्स। आप उनको जरूर देखें। वीकली करंट अफेयर्स भी इस पे चलाया जा रहा है। साथ ही अभी तो ये खाली फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम है, अगर आपको कंबाइंड तीनों शिफ्ट का एनालिसिस देखना है तो आप रात को 8:30 बजे @8:30 PM आप इसी यूट्यूब इसमें आकलन ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। उसमें आप जाएंगे तो 8:30 PM पे आपको लाइव कॉन्टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। इसे ज़रूर अटेंड करें और देखें कि किस तरीके से आपकी तैयारी चल रही है। और अगर आपने एग्ज़ाम दिया है आज का तो आज की इस वीडियो से आप अपना स्कोर कैलकुलेट कर सकते हैं। इस वीडियो की PDF चाहिए तो इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम लिंक है उसे ज़रूर डाउनलोड करें, उसको ज्वाइन करें। आप उसमें सभी PDF आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आपको और भी टेस्ट सीरीज चाहिए तो आकलन ऐप पे जाएं, उसमें आपको वेरियस एग्जाम की मॉक टेस्ट अवेलेबल कराए जा रहे हैं, उन्हें जरूर प्रैक्टिस करें। देखते हैं आज का पहला सवाल। विच लैंग्वेज वॉज अडॉप्टेड एज ए क्लासिकल लैंग्वेज बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2005। पूछा ये गया है कि 2005 में कौन सी भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज के तौर पर अडॉप्ट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी हमारी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, क्योंकि कई बार ये भी ऑप्शन में आ जाता है। तो हमारी 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, संस्कृत, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम और ओडिया। अगर आपने ये नोट नहीं कर रखा है तो इसे नोट ज़रूर करें, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप में बनता है। इनमें से 2005 में संस्कृत को अडॉप्ट किया गया था। फ्रॉम वेयर डज द कृष्णा रिवर ओरिजिनेट, इस क्वेश्चन में पूछा गया कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है। तो एग्जैक्टली जो इसका ओरिजिन पॉइंट है वो है जोर विलेज, जोर गांव से, जो कहाँ पर है, सतारा। ये आपने सुना होगा, सतारा डिस्ट्रिक्ट मिलता है आपको महाराष्ट्र में। वहां पर एक जगह है महाबलेश्वर, तो महाबलेश्वर जो महाराष्ट्र के अंदर है वहां से ही कृष्णा नदी बहनी शुरू होती है। वेयर इज गिर नेशनल पार्क लोकेटेड, ये तो काफी इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। गिर नेशनल पार्क आपको कहाँ पर मिलेगा, गुजरात में। गिर किस लिए वहां पे नाम है, वहां पे क्योंकि गिरनार हिल्स भी आपको मिलती है। गिरनार हिल्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट, इन गुजरात। और गिर नेशनल पार्क में आपको क्या मिल जाता है, एशियाटिक लॉयन। ये आपको और कहीं नहीं मिलते इंडिया में, सिर्फ वहीं पे मिलेंगे। इस सवाल में ये पूछा गया है वे वॉज इंडिया फर्स्ट स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर स्टैब्लिश्ड। इंडिया का पहला स्नो लेपर्ड यानी हिम तेंदुए का जो कंजर्वेशन सेंटर है वो कहाँ पर है। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है इन उत्तरकाशी। उत्तरकाशी आपको मिलता है नॉर्थ ऑफ उत्तराखंड में, जो उत्तराखंड का पूरा इस तरीके से जो हमारा मैप आता है, एक रफ मैं स्केच बना रही हूँ, तो यहाँ पर आपको मिलेगा उत्तरकाशी, यानी कि इसके नॉर्थ और वेस्ट की डायरेक्शन में, यहाँ टॉप मोस्ट में मिलेगा। वहां पर ये हाल ही में रिसेंटली ही बनाया गया था सरकार के द्वारा। व्हेन इज वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड, वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए, 7 अप्रैल को। अगर आप हमारे इस तरीके के क्वेश्चंस तैयार करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल पे जीके की, जिसमें 25 क्वेश्चंस होते हैं, और एक वीकली करंट अफेयर्स ये सीरीज चलती है जो संडे को आती है, जिसमें आपके पूरे वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एक साथ आ जाते हैं। इन वीडियोस को आप जरूर देखिए, जिसमें आपके इस तरीके के सभी मिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे। इसकी प्लेलिस्ट आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। When was LIC established? LIC की स्थापना कब की गई थी, तो ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये बनाया गया था 1 सितंबर 1956। What value will come in place of question mark? आपको बताना है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। अगर a मल्टीप्लाई बी का मतलब है 2a माइनस 3b प्लस ab, तो आपको इस एक्सप्रेशन का मतलब बताना है कितना होगा। तो देखो, ए मल्टीप्लाई बी का मतलब हो गया, ए हो गया हमारा 3, बी हो गया 5 यहाँ से, तो 2a माइनस 3b प्लस ab, इसमें आपको ए और बी की वैल्यूज पुट करनी है। 2 इंटू ए करेंगे, 2 3 जा ये जाएगा हमारा 6, देन
ये आ जाएगा हमारा 3 × b, यानी 3 × 5 = 15, प्लस a इंटू बी कितना, ये आ जाएगा आपका 6। अगेन आप 5 × 3 वाला, ये वाला एक्सप्रेशन लो, इसका मतलब क्या है कि अब a की वैल्यू है 5, b की वैल्यू है 3, तो कितना हो जाएगा, 2 × 5 = 10, माइनस 3 × 3 आ जाएगा 9, प्लस ये आ जाएगा आगे 15 जब आप करोगे a इंटू बी, तो ये आ जाएगा सॉल्व करके 22। अब इन दोनों को हमें ऐड, सॉरी ये आ जाएगा ऐड करके 16। अब हमें इन दोनों को ऐड करना है, 6 और 16 को ऐड करेंगे, सही आंसर आ जाएगा 22। व्हाट विल कम एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे क्या आएगा, मिसिंग नंबर हमें बताना है। हमारी इसी चैनल पे बहुत अच्छी वीडियोस चल रही है रीजनिंग की और मैथ्स की, ये सभी क्वेश्चंस उनमें कराए जाते हैं। जो मेरे साथ पहले से जुड़े हैं वो जानते होंगे कि ये रीजनिंग के जो ये मिसिंग नंबर वाले क्वेश्चन है, हमने हर वीडियो में बहुत सारे पैटर्न्स देखे हैं। ऐसी जो नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं कराऊंगी, ये वाला क्वेश्चन भी हमने हर क्वेश्चन हर वीडियो में देखा है। आपने अभी तक अगर वो नहीं देखे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्लेलिस्ट है आप उस पर जाकर उन क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करें, आपकी प्रैक्टिस डेफिनेटली बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये देखो मिसिंग नंबर में क्या आएगा आगे, 11, 33, 55, 77। तो 11 का ही मल्टीपल है, पहले 3 से किया, देन 5 से किया, देन 7 से किया, अब किससे करेंगे इसको मल्टीप्लाई, 9 से, तो कितना आ जाएगा 99। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए प्लस बी मीन्स बी इज दी ब्रदर ऑफ ए, ये जो प्लस है इसका मतलब क्या है कि बी भाई है ए का, जो मल्टीप्लाई है इसका मतलब क्या है बी हस्बैंड है ए का, जो माइनस है इसका मतलब है कि ए मदर है बी की, परसेंटेज का मतलब क्या हो जाएगा, परसेंटेज डिनोट करता है फादर को। तो हमें बताना है इनमें से कौन से जो आपको ऑप्शन दे रखे होंगे वहां पे उसमें से किसका मतलब है क्यू इज द ग्रैंड मदर ऑफ टी, यानी क्यू टी की दादी है, ये हमको प्रूफ करना है। ये वाले क्वेश्चन हम हर रीजनिंग की वीडियो में देखते हैं, आप प्लीज इन वीडियोस को जरूर देखिए, ये इसलिए है आप ही के लिए बनाई गई है ताकि आपकी एग्जाम के लिए इसी तरीके से आपकी प्रैक्टिस इंप्रूव हो। अगर आपने क्वेश्चंस कर रखे होते तो ये क्वेश्चन आप बहुत इजीली कर पाते हैं अपने एग्जाम में। तो देखो सबसे पहले प्लस, यहाँ से हम करेंगे क्यू माइनस पी, माइनस का मतलब कितना है, यहाँ पे देखो माइनस का मतलब है मदर, यानी कि क्यू मदर है पी की। फिर पी प्लस आर, प्लस का मतलब कितना है कि ब्रदर, यानी पी आर का भाई है, क्यू जो है वो इसकी पी की भी मदर हुई और आर की भी मदर हुई, राइट। देन है परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब कितना है, यहाँ पर है फादर, यानी कि आर तो टी का आर है फादर और आर की मॉम है क्यू, इसका मतलब टी की क्या हो गई, दादी हो गई क्यू, तो ये वाला ऑप्शन इसे सही आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ ए अपॉन बी की पावर एक्स माइनस वन इज इक्वल टू बी अपॉन ए की पावर एक्स माइनस थ्री, पहले भी ये इस तरीके का क्वेश्चन इसमें आ चुका है, तो इसमें हम क्या करते हैं बेस को सेम करते हैं, ए माइनस बी की पावर कितनी है एक्स माइनस वन इज इक्वल टू, अगर ये बी अपॉन ए है इसको मैं इन्वर्ट कर लूँ यानी रेसिप्रोकल ले लूँ, तो आपको पता होगा रेसिप्रोकल लेते तो पार्स निगेटिव हो जाती हैं, पढ़ा होगा आपने वाली चीज़, तो मैंने इसका बी अपॉन ए की जगह कर दिया ए अपॉन बी और पार हो गई निगेटिव। अब बेस जब सेम है तो आप हटा सकते हो पूरा, सीधे इनके जो पावर्स हैं उनको आमने सामने रख लो, एक्स माइनस वन बराबर ये कितना हो जाएगा माइनस का एक्स और माइनस माइनस प्लस का थ्री, ये इस साइड आ जाएगा कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल टू, ये माइनस का उधर जाके हो जाएगा प्लस 3 + 1 = 4, इट मीन्स एक्स की वैल्यू आ गई 2। कितना सिंपल ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, ऑन डिवाइडिंग ए नंबर बाय 56 वी गेट 29 एज रिमाइंडर, सपोज कोई नंबर है एक्स उसे मैंने डिवाइड किया है 56 से, तो मेरे पास जो रिमाइंडर आता है वो आया है 29, यानी कि जो भी वो नंबर रहा होगा वो कितना रहा होगा कि 56 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 29, यही तो रहा होगा ना मेरा नंबर, इसे मैं एन मान लेती हूँ कि मेरा नंबर है ये। अब ऑन डिवाइडिंग द सेम नंबर, अब ये पूरा नंबर है, अब कहा जा रहा है कि इस नंबर को किससे डिवाइड किया जाता है, बाय 8, 8 से भाग दिया जाता है, तो क्या रिमाइंडर होगा ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें x की वैल्यू हमें पता नहीं है, सपोज ऐसे क्वेश्चन में हम x को मान लेते हैं 1, 1 का क्या मतलब है कि 56 से ये पूरा पूरा जा रहा है, तो कम से कम एक बार तो जाएगा ही ना, ज्यादा हो सकता है बट बेसिकली 1 तो होगा ही होगा। x को मैंने ले लिया 1, तो कितना हो जाएगा 56 प्लस 29, इट विल बी इक्वल टू 85, राइट। और 85 अब इसको डिवाइड करना है 8 से,
जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 10 टाइम्स जा रहा है, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 5। इस तरीके से क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा। आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए, और अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। इस तरह की बहुत सारी आपके लिए अच्छी वीडियोस बनाई गई हैं, आप एक बार एटलीस्ट चेक करिएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्लेलिस्ट दे रखी है डिफरेंट सब्जेक्ट की, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, साइंस, वीकली करंट अफेयर्स, बहुत सारी आपके लिए वीडियोस बना रखी हैं, आप उनको प्लीज जरूर देखकर आइएगा। साथ ही अगर आपको आज का ये लाइव टेस्ट अटेंड करना है जो पूरा आज का एग्जाम हुआ है, तो 8:30 PM पे आकलन ऐप पे आपको उसका लाइव कॉन्टेस्ट मिल जाएगा जो कंडक्ट कराया जाएगा, आप उसे जरूर सॉल्व करिएगा। फाइंड अ नंबर 1/7 ऑफ विच, यानी कि कोई नंबर है मैंने ले लिया x, इसका 1/7, इसका सातवां भाग, एक्सीड्स इट्स 11th पार्ट, वो ज्यादा है इसके 11वें भाग से, कितने से, बाय 100, 100 से। इक्वेशन बनानी आनी चाहिए आपको, उसके बाद क्वेश्चन बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं बचता है। क्या किया मैंने, पहले उसका सातवां भाग, वो एक्सीड यानी वो ज्यादा है किससे, उसके 11वें भाग से यानी अपॉन 11 से, बाय 100। तो अब क्या करेंगे हम, दोनों को एक तरफ ले आएंगे, कैसे, x अपॉन 7 माइनस x अपॉन 11 इज इक्वल टू 100, यहाँ पर लिख लेते हैं इसको। अब इसका क्या करेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे, 77 ये आ जाएगा 11x माइनस 7x, ये हो जाएगा 4x अपॉन 77 बराबर है 100 के। जब आप इसे सॉल्व करोगे 4 से ये चला जाएगा 25 टाइम्स, 25 को 77 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपका नंबर है वो आ जाएगा 1925 इज द करेक्ट आंसर। आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन बताया जा रहा है, आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिए अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो। Who has won the women's single title in the Swiss Open Badminton Championship? अभी हाल ही में ही इन्होंने जीता है ये स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप, किसने जीता है वो, उसका सही आंसर है पीवी सिंधु ने। वेयर इज राजा परबा फेस्टिवल लोकेटेड सेलिब्रेटेड, राजा परबा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो राजा पर्व मनाया जाता है ओडिशा में। विच मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड अगेंस्ट द सॉल्ट टैक्स, ये आपको पता होगा कि नमक पर कर लगा दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, तो उसके अगेंस्ट में कौन सा जो एक मूवमेंट है वो चलाया गया था। देखो मूवमेंट्स बहुत सारे हुए थे, आपको सबके अलग अलग रीजन पता होने चाहिए कि वो किस लिए चलाए गए थे। इसका आंसर है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट CDM, जिसे हम सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं। इसमें क्या था कि सरकार के साथ साथ नहीं हमें हर चीज में करना, जो भी सरकार करिए उसके अगेंस्ट में हमको जाना, ये था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इसके अलावा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, क्विट इंडिया मूवमेंट था, ये सारे मूवमेंट्स के आपको पता होने चाहिए रीजन क्या थे। हु इज कंसिडर्ड एज गॉड ऑफ प्लांट्स इन हिंदुइज्म, वनस्पतियों के देवता के रूप में किन्हें पूजा जाता है, तो वो सही आंसर है सोम। सोम का मतलब क्या होता है, चंद्र, और चंद्र ही होते हैं आपके सभी वनस्पतियों के भी देवता होते हैं, और जो रात्रि होती है उसके भी वही होते हैं। वेयर इज पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व आपको कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा आपको मध्य प्रदेश में, और उसमें भी कौन सी पहाड़ियों पे, अगर ये भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए सतपुड़ा रेंजेस पर, सतपुड़ा की पहाड़ियों में पाया जाता है। वेन वॉज BHEL स्टैब्लिश्ड, BHEL कब स्थापित किया गया था, तो भेल जिसे हम बोल देते हैं 13 नवंबर 1964 को किया गया था, लेकिन आपको इसकी फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए क्योंकि कई बार पूछी जा सकती है एग्जाम में, भारत हैवी लिमिटेड, ये इसकी फुल फॉर्म है। GD बिरला अवार्ड इज गिवन इन विच फील्ड, GD बिरला अवार्ड ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये किस फील्ड में दिया जाता है, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में दिया जाता है। नेक्स्ट है वेयर इज चंद्रशेखर परियोजना लोकेटेड, चंद्रशेखर परियोजना आपको कहाँ मिलेगी, ये मध्य प्रदेश में मिलेगी। और अगला क्वेश्चन है लेंथ ऑफ ऑस्ट्रिच एग, एक ऑस्ट्रिच का एग आपको पता है सबसे बड़ा अंडा होता है, तो इसकी कितनी लंबाई होती है, इट इज 6 inches लॉन्ग। तो ये था आज का फर्स्ट मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर का एनालिसिस। अगर आपको कंप्लीट एनालिसिस कंप्लीट वीडियो का देखना है तीनों शिफ्ट का, तो रात को 8:30 बजे आकलन ऐप में आप जरूर जाकर इसका लाइव टेस्ट जो कंडक्ट कराया जाएगा उसको जाकर अटेंड करें। और ये वीडियो अगर आपके समझ में आई है, क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हैं, आपको उनका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिला है, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे यूट्यूब चैनल आकलन को सब्सक्राइब करें। कोई भी PDF लेने के लिए आप दिए गए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं, और उसके अलावा आप आकलन ऐप से वेरियस एग्जाम की टेस्ट सीरीज को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं।